हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड फ्रेंड, मैं कुछ पौधे लाई हूँ। एक वीक हो गया है, फिर मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पॉइनसेटिया लिया है मैंने, पिंक कलर का। देखिए अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है। एक वीक हो गया, और दो ये लाई हूँ तोरनिया का, एक पिंक और एक पर्पल वाला है। वो 40-40 रुपये का मुझे मिला है ये दोनों, एक 40 का और ये पॉइनसेटिया मुझे 300 का मिला है। मैं तो लेने गई थी रेड कलर का, पर रेड नहीं था। तो भाई ने बोला कि ख़त्म हो गया है, तो मैं लाई हूँ। तो कलर तो मुझे रेड लेना था, पर ये मिला तो मैंने यही ले लिया है। रेड मैंने सोचा कि दूसरी बार जाऊंगी, जब आ जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो फ्रेंड अभी तो गार्डन में कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये पौधे लाई हूँ, तो इसे भी मैंने लगाना है और नहीं लगा पा रही हूँ। सॉरी फ्रेंड, मेरी तबीयत ख़राब थोड़ी चल रही, तो नहीं कर पा रही हूँ कुछ। बस ये पौधे मैंने सब इधर उधर रख दिए हैं। यहाँ हमारे यहाँ धूप भी बहुत तेज हो जाती है, देखिए तो बहुत गर्मी हो रही है, धूप तेज हो रही है। तो फिर मुझे ये पसंद आ गया था। देखिए कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यूट, दूर से भी अच्छा लगता है पिंक कलर। मेरे पास पहले रेड था पॉइनसेटिया में, पर 2 साल हो गए, मेरे पास 3-4 साल रहा, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। फिर तो मैंने लिया ही नहीं, पर इस बार मुझे कलर लेना था रेड, तो ये नहीं मिला तो ये ले लिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कलर भी। देखिए मेरा गार्डन, गर्मी बहुत तेज हो रही है और धूप बहुत तेज होती है। फिर तो कल मैंने पानी नहीं दिया था तो मेरे पौधे मुरझा गए थे बहुत। आज सुबह मैंने जल्दी उठ के पानी दे दिया सबको, अभी थोड़ा ठीक है सब। देखिए सब में फ्लावर आए हैं अच्छे, और मेरे ये देखिए कितना अच्छा कलर, आधा खिला है, आधी कली बाकी है। एडेनियम का, एडेनियम में भी सब में कलियाँ आने लगी, अब सीजन आया है इसका। धूप में ये बहुत अच्छे खिलते हैं। फिर एडेनियम आप सबको पता ही है, कोई कोई पौधे में तो डाली में पत्ते कम है और कलियाँ ज़्यादा है। देखिए धूप की वजह से, देखिए कैसे हो जाता है। और ये इसके बहुत अच्छा बड़ा खिला था, ये कल खिल जाएगा। जो मैंने कटिंग इसमें लगाया था फ्रेंड कॉलियस का, वो सब अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छा हो गया है, सब अच्छे हो गए। और इसमें भी मैंने कटिंग लगाया था कॉलियस का, वो भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसमें बीज भी फूल बन रहे, देखिए ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। कॉलियस तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है फ्रेंड। इसके ऊपर ये जो फ्लावर जैसा आता है ना, वो मैं निकाल देती हूँ, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। कल पानी नहीं दिया था तो पूरा दिन झुलस गए। ये तो गर्मी में बहुत अच्छा रहता है, इन्हें तो अच्छा लगता है गर्मी में। देखिए ये भी गर्मी में बहुत अच्छा करता है, ये पिटूनिया है। और फिर अमरूद का जो पौधा है, उसमें बहुत सारे अमरूद बैठे हैं, देखिए सब में है, दो तीन। तो इससे मुझे
देखना पड़ेगा। देखिए इसमें मिलीबग आ गया है, इसे कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये बड़ा है अमृत, वो बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। देखिए मैंने वो वेट लगा के रखा है, ये पौधे सूख गए हैं। गेंदे का फ्लावर है, इसी में ही डाल दूंगी तो हो जाएगा फिर से। लेमन भी बहुत ही अच्छे है, और ये केना लिली देखिए, ये भी बहुत अच्छी बड़ी कली निकाली है, बड़ी डंडी निकाली है, इसमें बहुत सारी कलियां भी है। सबसे अच्छा कोलियस और विंका खिलते हैं। ये टाइगर रोज है तो ये भी मुरझा जाता है, धूप से झुलस जाता है। देखिए तो फिर निकाल देना पड़ता है। एक मेरा गुलाब भी सूख गया, देखिए नया लाई थी मैं। ये सब कटिंग से लगा हुआ है, इसमें भी बहुत फ्लावर आते हैं। फिर कितनी भी गर्मी हो, कलर इसका देखिए फेड हो गया है, धूप की वजह से वाइट हो गया। और ये देखिए फिर कटिंग से लगाओ कितना फैल गया है, गमला बड़ा है, इसमें खाद बहुत थी तो बहुत ही ग्रोथ कर गया है। लंटाना भी है, अच्छा खिल रहा है। देखिए ये छोटी छोटी बोतल में लगा हुआ है, वो भी अच्छे से खिल रहा है। और वाइट चंपा है, देखिए बोगनवेल येलो कलर का, गोल्डन वाइट बोगनवेल है। ये भी सूख गई है देखिए पानी के बिना। और चिड़िया का जो पानी देती हूँ वो भी सुबह में भरा था साफ करके, शाम होते होते तो बस ये आधा रह गया है, इतनी धूप तेज हो रही है। दो दिन से बहुत तेज धूप हो रही है, फिर लगता है कि फिर से बारिश होने वाली है, क्योंकि इतनी तेज गर्मी इतनी तेज धूप है। तो ये मेरे जो तीनों थे एडेनियम मैंने रिपोर्ट किया था, वो भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें एक डाली ये थोड़ी हो गई है, इसे मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये इसको पूरा ख़त्म कर देगी। ये देखिए इस खाद में वो अपने आप उगा है, तो मैंने निकाला नहीं, ये खाद का मटका है देखिए। तो फिर आपके यहाँ कितनी धूप है मुझे ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ तो बहुत ही बहुत तेज़ धूप है, सुबह सुबह ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि पौधे पूरे झुलस जाते हैं। पानी नहीं दिया तो बहुत ही तकलीफ हो गई सबको। तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा अभी काम भी नहीं कर पा रही कुछ गार्डन में। देखिए ये भी कटिंग लगाया था, कितना अच्छा हो गया कॉलेज का, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अरे मेरा इंडोर प्लांट, इस तरफ से धूप आती है तो फ्रेंड सबको बहुत ही तेज धूप लगती है। मैं सोच रही हूँ कि ये नेट मैंने ऊपर कर दी थी, अब नीचे कर दूँ थोड़ी, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो उसे धूप बहुत लगती है तेज। फिर गार्डन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर काम मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, नहीं कर पाती। तबीयत ठीक नहीं होती तो क्या करूँ फिर। थोड़ा बहुत मैंने अरेंज किया और साफ सफाई की तो तबीयत खराब हो गई।
थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर से करूँगी। तो अब दिवाली की सफाई भी करनी करके मुझे करनी है, और मेरा बेटा मना कर रहा है नहीं करना, करूँ कुछ तो सही रहने दीजिए, तबीयत खराब है तो। और हमारा तो मन नहीं मानता ना, हम तो करते ही है। देखिए ट्रेन कितने बादल छाए, देखिए कितना अच्छा वो बादल है, और इस तरफ सूरज भी डूब रहा है जा रहा है, कितना अच्छा एकदम लोकेशन है। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।